खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब जय हिंद। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। दिन है 12 जनवरी 2022। मेरठ क्लीन सोती गंज के अभियान के चलते एक बार फिर मेरठ पुलिस एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी उनकी पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कबाड़ी साकिब उर्फ गड्डू की संपत्ति कुर्क की है, जिसकी कीमत लगभग अंदाजन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अगर अब तक मेरठ पुलिस द्वारा सोतीगंज जो वाहन की माफियाओं की संपत्ति की कुर्की है उसकी बात करें तो उसकी कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं लगभग 30 से 40 लोगों पर यह कार्रवाई की जा चुकी है। साकिब उर्फ गुड्डू कबाड़ी, जिस पर थाना ब्रह्मपुरी में 111-21 गैंगस्टर 3 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी संपत्ति जिसमें 6 आवासीय और 9 वाहन शामिल है कुर्की कर दी गई है। भारी फोर्स के साथ एसपी कैंट सूरज राय मौके पर मौजूद रहे और संपत्ति की कुर्की की गई, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगातार कार्रवाई चल रही है और आपके द्वारा भी बहुत सारी कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी कार्रवाई की गई है, कितने करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी अब तक जब्त की जा चुकी है? देखिए, आज की कार्रवाई को लेते हुए अगर हम देखें तो लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति 14-1 के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। और लगातार जैसे जैसे सूचनाएं मिलती जा रही हैं, हम सूचनाओं का संकलन भी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे अपराधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है अब तक? देखिए, विभिन्न थानों पे भी और विभिन्न मुकदमों में गैंगस्टर एक्ट में लगभग 40 के करीब लोग वांछित थे, तो उसी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के अंतर्गत ये जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा भी अन्य कई अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तो नहीं, लेकिन अन्य विधिक प्रक्रिया जो है शुरू की गई है हिस्सेशील और गुंडा की, और उनके विरुद्ध भी और सूचनाएँ मिलने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। ये अभियुक्त का नाम साकिब उर्फ गड्डू है और ये अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। लगभग 10 के आसपास मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं और केवल वाहन चोरी और वाहन कटान ही नहीं, पुलिस के ऊपर हमला करने का भी एक मुकदमा इसके ऊपर है। और इस अभियुक्त ने ऐसा विवेचना जो थाना ब्रह्मपुरी में 111/21 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत था गैंगस्टर, उस मुकदमे की विवेचना के क्रम में ऐसा आया कि यह संपत्तियां अभियुक्त ने अपराध के बल पर अर्जित की हैं और अपने ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर इस संपत्ति को पंजीकृत कराया है। और अतः फत्तापुर थाने से जहां से इसकी विवेचना चल रही थी, संपत्तियों का की पत्रावली बनाई गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय से के आदेश के क्रम में आज यहां पे 14-1 की कार्रवाई की जा रही है। खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।